जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, कितनी सदियां बुलाती है जिसको पूछा है सिर्फ तुझको। कितने टुकड़ों में बट कर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। और कैसी दुख की घड़ी है। शतरंज आती है? थोड़ी बहुत चाहिए। तो अच्छी तरह जानते होंगे कि कई दफा जीतने के लिए अपना प्यादा मरवाना पड़ता है। एक बात कान खोल के सुन ले अम्मा, अगर एमन ने नैना की तरह कोई हरकत की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। तेरी चहेती बेटी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे सामने। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? जितना काम कहा जाए उतना किया क्या? तूने सिर्फ शाम फोन करके याद करवाना है। और खबरदार, जिस जगह वो डब्बू खेलता है उस जगह के नजदीक जाने की जरूरत भी नहीं है। खा तो भी नहीं ना अम्मा। एमन को तो देख, सुबह नौकरी की तलाश में गई थी, घर आई है तो अखबार हाथ में उठाया हुआ है। इस तरह हाथ पे हाथ धरे रहने से तो कुछ नहीं मिलेगा ना। वो कह रही है कि अभी वो पते नोट कर रही है और फोन नंबर वगैरह उन कंपनियों के जिनके पास नौकरियां हैं। एक ही बार जाएगी ना? पता नहीं अम्मा कब जाएगी, तुम्हें ही जाके कहना पड़ेगा उसे। एक बार इंसान को घर बैठने की आदत हो जाए ना तो काम चोरी की आदत पड़ जाती है उसे। बिल्कुल भी एहसास नहीं है इसे अपनी जिम्मेदारियों का। मैं कहूंगी तो बुरा मना जाएगी, आप ही बात करें ना उससे। अम्मा इतने खर्चे हैं घर में, और आपको पता है वो खाला जो रिश्ता लेकर आई थी, अगर वो बात चल पड़ी तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना अम्मा। करना तो पड़ेगा। एक तरह बाप है जिसने मुड़कर कभी देखा नहीं कि मैं खर्चा कैसे चला रही हूँ, कोई फिक्र है उसे? तो इसीलिए तो कह रही हूँ ना अम्मा, वो जब से घर में आई है कमरे में घुसी बैठी है। ऐसा ना हो कि मेरी मंगनी की बात आगे बढ़े और घर में खर्चों के लिए पैसे ही ना हो। करती हूँ, जरा खाना खा लो। अम्मा छोड़ भी दो ना खाना। अरे खाना तो आराम से खाने दे, अपनी पड़ी रहती है हर वक्त इन लोगों को, निवाला खाना खाली खा लेती। गुड्डू, अरे क्या हो गया तुझे? अम्मा अम्मा गुड्डू बहुत रो रहा था। अम्मा वो ठीक नहीं है, बहुत रो रहा था वो। क्या हो गया तुझे, पागल हो गई क्या? अम्मा वो गुड्डू। अरे पागल हो गई है, क्या हो गया तुझे? नौकरी चली गई है, तेरा दिमाग भी चल गया क्या? नहीं अम्मा वो गुड्डू। अरे गुड्डू को तो खुद छोड़ के आई है नैना के साथ दीदी वालों के पास। लेकिन वो ठीक नहीं है, वो रो रहा था अम्मा, बहुत ज्यादा रो रहा था वो ठीक नहीं है। क्या सो गई थी? हाँ शायद जब ही कोई ख्वाब देखा होगा। हाँ ख्वाब ही था शायद। हालत देखी अपनी, लगता है पूरी रात नहीं सोई। चल अच्छा है थोड़ी देर आंख लगा ली। अच्छा वो कोई नौकरी मिली तूने अखबार में देखा? हाँ कुछ जगह पे वैकेंसीज थी, मैंने पता नोट किया, आज जाऊंगी। यही तो कहने आई थी मैं, नैना भी बहुत परेशान है और राहिल भी चीख रहा है कि कब मिलेगी नौकरी। हाँ माँ जाती हूँ मैं, बस जा ही रही हूँ। जाना, आधा दिन तो तूने घर बैठ के जाया कर दिया, किस वक्त जाएगी? घर से निकलेगी तो ही नौकरी मिलेगी ना। देख बेटा, जिनके सरों पे बोझ होते हैं ना घर के, वो आराम से नहीं बैठा करते,
और बोझ तुझी पर है, ये तू बात मान ले अच्छी तरह। मेरा तो यही सोच सोच के दिल हौल रहा है कि महीना खत्म होने को है, एक पैसा हमारे पास नहीं, सारे खर्चे मुंह फाड़े पड़े हैं। और राहिल का पता है ना, उसके पास पैसे ना हो तो कैसे चीखता चिंगाड़ता है, अभी आके बोलेगा। इसलिए बेहतर है कि तू जा और जाके नौकरी ढूंढ। जी अम्मा, जा रही हूँ बस। हाँ चल जल्दी कर दे, मुँह हाथ धो के आ जा, कुछ खा के और चली जा। सर ये जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं कब तक एक्सपेक्ट करूं? देखिए ये तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, अगर आपको सेलेक्ट किया गया तो लेटर आपके घर आ जाएगा। मैं ये पूछ रही थी कि वो बस प्लीज, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, हमें और भी लोगों को इंटरव्यू करना है। जी चले, बाद में बात होती है। जी फरमाइए। जी ये ऐड आप लोगों ने दिया था? जी जी आप आइए मेरे साथ अंदर। रेमन जी, डू यू हैव एनी आइडिया कि यहाँ रिसेप्शनिस्ट के साथ साथ और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी आपकी? जी आपकी असिस्टेंट ने बताया मुझे। यू आर गुड लुकिंग, योर एक्सेंट इज गुड। थैंक यू। बस ये है कि आपको थोड़ा ग्रूमिंग और मेकओवर पर तवज्जो देनी होगी। क्या मतलब? आई मीन दिस इज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, प्लेस भी बनाते हैं, फोटोशूट भी करते हैं, सो यू नो यहाँ की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसलिए ये जिस लिबास में आप आई हैं ये यहाँ नहीं चल सकता। थैंक यू।
जी तो फिर कैसा? देखिए, इनफैक्ट यू आर गुड लुकिंग और हमें अपने ऑफिस के लिए जैसे चेहरे की जरूरत है, आई मीन यू आर फिट फॉर दैट, मगर ये हुलिया अब यहाँ नहीं चल सकता। फिर क्या करना होगा मुझे अगर मुझे ये नौकरी चाहिए? आप ऐसा करें, मेरे असिस्टेंट से मिल ले, वो आपको सारी डिटेल्स बता देगा। शुक्रिया। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, एक बार मुझे गुड्डू से मिल लेने दीजिए। मैं उसकी खाला हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, उसके बगैर मर जाऊंगी मैं। मगर जरा ये भी सोच के, हम गैरतमंद शरीफ लोग हैं, ये टीवी शीवी पे आने वाली औरतें अदाकार आए, इनके बीच में बैठेगी तू तो क्या जेब देगा तुझे? हैं, कहाँ चली गई तेरी गैरत? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे गुड्डू से मिलना है। गुड्डू? कौन गुड्डू? जी वो। अच्छा अच्छा, वो प्यारा सा बच्चा जो अभी कुछ रोज पहले ही यहाँ पर दाखिल हुआ है। जी जी वही। आई एम सॉरी, हम बच्चे को हर किसी से मिलने नहीं देते। देखिए मैं हर किसी नहीं हूँ, प्लीज आप मुझे गुड्डू से मिलने दीजिए। देखिए मैम, ये हमारी मजबूरी है। कि आप मेरी मजबूरी भी समझिए, एक बार मुझे गुड्डू से मिल लेने दीजिए। मैं अपने इदारे के कानून का पाबंद हूँ, हम वारिस के अलावा किसी से मिलने नहीं देते। देखिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, एक बार मुझे गुड्डू से मिल लेने दीजिए। मैं उसकी खाला हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, उसके बगैर मर जाऊंगी मैं। क्या खाला? मगर आप लोग जब उसको दाखिल करवाने के लिए आए थे तो आपने तो कहा था कि बच्चा लावारिस है। जी हमने झूठ बोला था, हमारे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हम उस बच्चे की कफालत कर सकें। प्लीज एक बार मुझे मिलने दीजिए, मैं उसे मिलने आती रहूंगी। खुदा के लिए एक बार मिलने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज एक बार। ठीक है, मैं आपकी मोहब्बत देखते हुए बच्चे को आपसे मिलवा देता हूँ, मगर ये हमारे कानून के खिलाफ है। आपका एहसान होगा मुझ पे। जीनत, जीनत को भेजिए। शर्म तो आएगी नहीं तुझे, अकल घास चलने चली गई थी तेरी। अभी मैं इतना बेगैरत नहीं हुआ कि तुझे किसी ऐसी जगह नौकरी करने की इजाजत दे दूं जहां ये टीवी वाले और अदाकारें आती जाती रहती हैं? हाँ,
शर्म तो आएगी नहीं तुझे किसी ऐसी छत के नीचे बैठते हुए जहां ये मॉडल रहती जाती रहती है। भाई मेरा काम तो सिर्फ रिसेप्शन पे। कुछ भी हो दुनिया वाले तो यही कहेंगे ना कि राहिल की बहन ड्रामा बनाने वाली कंपनी या वो क्या कहते हैं मशहूरी बनाने वाली कंपनी में काम करती है। चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरूंगा मैं अगर यही बात मुझे मोहल्ले वाले कहेंगे। बेगरज ना हो तो देख अम्मा इसने नौकरी करनी है ना तो करे पर बोल दे से कि इसका भाई एक गैरतमंद मर्द है नौकरी करनी है करे मगर ऐसी जिसे मेरी गलत गवारा करे। बोल दे अम्मा इसे अपने लिए सुबह जाकर नौकरियां चेक करे मगर अगर इसे मैंने किसी ऐसे ऑफिस के इर्द गिर्द करीब भी देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू भी सुन ले और इस अपनी लाडली को भी समझा दे। क्या जरूरत थी उसके सामने ये बात करने की जानती है ना उसे। फिर क्या करूं अम्मा घर में पैसे खत्म हो रहे नौकरी नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा सब कुछ। वो तो सब ठीक है मगर जरा ये भी सोच कि हम गैरतमंद शरीफ लोग हैं ये टीवी शीवी पे आने वाली औरतें अदाकार आए इनके बीच में बैठेगी तू तो क्या जेब देगा तुझे है कहां चलेगी तेरी गैरत। सच कह रहा है भाई इन चीजों से दूर रह नौकरी कर जरूर तू ठीक कह रही है कि पैसों की जरूरत है लेकिन ऐसी नौकरी कर जिससे भाई की गैरत को जोश ना आए। आ गई ना समझ मेरी बात फजूल में मार खाई। सर ओ यार ये जबार अब तक क्यों नहीं आया। सर मेरी अभी उसे फोन पे बात हुई है रस्ते में है। शक वक्त तो नहीं हो गया उसे। शक शक कैसे हो सकता है सर जी बस अभी आता होगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। आजा आजा जब्बार मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। कैसे हैं साहब जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब्बार आज हम तुम्हें दिखाते हैं जब हम सब पुलिस वाले इकट्ठा होते हैं तो किस तरह मजा करते हैं। वो तो ठीक है सर जी पर यहाँ पर क्या हम लोग ही बातें करेंगे। नहीं हम लोग सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे। हम शूटिंग भी करेंगे। क्या क्या मतलब? मतलब भी तुझे बता देते हैं। सर जी ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? सर जी छोड़ो मुझे तुम्हें पता नहीं है मैं बहराम अली शाह साहब का खास आदमी। छोड़ो मुझे और छोड़ो। हेलो
ओ फंस गई रानी, तू तो फंस गई, अब बचना मुश्किल है तेरा। अब बचना मुश्किल है तेरा। ओ छोड़ो मुझे सर जी। सर जी, सर जी ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? वो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अभी तुझे बताता हूँ कि मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया। ओ सर जी मेरा कसूर क्या है? आप एक बात मत भूले कि मैं बहराम अली शाह साहब का खास आदमी हूँ, बड़ा प्यार करते हैं जी मुझसे। अगर उनको पता चल गया ना कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको। आपको हिसाब देना होगा शाह जी को। कितना मासूम आदमी है तू जवान। ओ बेवकूफ, तुझे मरने से पहले एक बात तो सीख लेनी चाहिए। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनका ताल्लुक सिर्फ मतलब से होता है। इनका मतलब खत्म, ताल्लुक खत्म। आपका मतलब क्या है? अब इससे ज्यादा बातें तेरे किस काम की? बता भी तू तो फायदा क्या? वक्त खत्म हो गया तेरा। जिंदगी थोड़ी रह गई है तेरी। चले आज यदि चलते हैं, कल फिर दोबारा यहीं पे टूर्नामेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है यार, पर कल जरा जल्दी आ जाना। अबे तू फिक्र ही नहीं कर, कब से इंतजार कर रहा हूँ इस टूर्नामेंट का। मुझे तो आजकल रात भर नींद ही नहीं आती, पर देख लेना इस बार तेरा भाई जीतेगा ये टूर्नामेंट। वो जब बाहर नजर नहीं आ रहा, सुबह तो इधर ही था। मेरा ख्याल है डरने लगा है, अब तेरी वजह से बहुत कम आता है इधर। डर ही अच्छा उसके लिए, डरेगा नहीं तो मरेगा। चल यार चलता हूँ, बड़ी नींद आ रही है। ओके, सुबह एक चक्कर में जल्दी उठना पड़ गया था। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एमिन अभी तक जाग रही है? नींद नहीं आ रही आप? नींद क्यों नहीं आ रही है? अच्छे तरीके से जानती है कि सुबह नौकरी ढूंढने के लिए जाना है, सारे घर का बोझ तेरे कंधों पर है। तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? और देख एक बात ध्यान से सुन, किसी ऐसी जगह मत जाना जहां भाई को एतराज हो, समझी है ना? जी। सुबह का वक्त नौकरी ढूंढने के लिए बहुत कीमती होता है, इस वक्त को जाया नहीं करना चाहिए, समझ गई मेरी बात? जी समझ गई। चल फिर सो जा। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ मेरी तबीयत को? तबीयत ठीक है अम्मा मेरी। हाँ लेकिन तू इतना घबराया हुआ क्यों है? रातों कब आया था? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बाद में फोन कीजिए। जिसकी
खुदा के लिए सर जी, सर जी आपको आपके बच्चों को मार दो सर जी। ये तो पक्का फायर है। तक किसी ने किसी को ठोक दिया। क्या हुआ चप्पा? तुझे किसने मारा? तू क्या नहीं कर, मैं अभी एम्बुलेंस मंगाता हूँ। क्यों बोल बोल बोल, क्या कर, क्या कह रहे वो बोल। एम्बुलेंस? अगर किसी ने मुझे देखे 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 नहीं फट जाए भाई। ओए अंधा हो गया है क्या रही तू? हाँ वो मैं, हाँ मैं वो इतना घबराया हुआ क्यों है तू? वो क्या पुलिस पड़ी है तेरे पीछे? हाँ नहीं वो मुझे घर जल्दी पहुंचना था। बाद में बात। जबार को किसने मार दिया? मैंने तो जवाब क्यों नहीं मारा? अबे कहीं पुलिस केस ना बन जाए। अगर कोई मुझसे पूछेगा मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैं तो वहां पे था ही नहीं। मुझसे कुछ पूछ, मैं नहीं था भाई वहां पे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं था ही नहीं वहां पे। क्या कह रहे वो बोल। अरे राहिल इतनी जल्दी उठ गया तू? राहिल क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ मेरी तबीयत को? तबीयत ठीक है अम्मा मेरी। हाँ लेकिन तू इतना घबराया हुआ क्यों है? रातों कब आया था? मैं रात को आ गया था, टाइम पे आ गया था अम्मा। हाँ लेकिन इतनी जल्दी तो तू उठने वाला नहीं। बस अम्मा रात को नींद नहीं आई। हाँ वो कमरे में गर्मी होगी ना, तू ऐसा कर जाके हेमंत के कमरे में सो जा, वो जरा ठंडा है कमरा। अम्मा कुछ खाने को दे दे, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ अभी अभी बना देती हूँ, अभी फिक्र ना कर। तू क्या खाएगा बता मुझे? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अम्मा मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है जा, मगर बात सुन, आज हर हालत में नौकरी लेकर आई हो। जी हाँ। और एक और बात, किसी भी ऐसी जगह पर कदम मत रखना जहाँ भाई को इतराज हो। जी अम्मा ऐसा ही होगा। जा खुदा हाफिज़। अच्छा चल जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ, तेरी पसंद का अंडा और पराठा। जल्दी कर ले जल्दी मेरा बच्चा, चल।
अरे भाई दरवाजा कब से खटक रहा है, आप ही बैठे। बस ऐसे ही कुछ नहीं, वो मेरी। आज तो आप डब्बू खेलने भी नहीं गए, आप तो कह रहे थे कि आपका टूर्नामेंट है। ऐसे ही वो तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। अच्छा बैठे, मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। राहिल है घर पे? राहिल भाई है। चल अंदर चलो, चलो। क्या बात है? तू घर में बैठा है, तुझे पता है क्या हुआ है? क्या हुआ है? मुझे तो कुछ नहीं पता, खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है, कत्ल हो गया है। कत्ल? कत्ल किस का कत्ल? वो जब्बार जिसके साथ तेरा झगड़ा हुआ था। जब्बार को मार दिया किसी ने? कुछ पता है किसने मारा उसे? अभी कुछ पता नहीं है। कल रात जहां मैं और तू मिले थे ना, उससे पिछली वाली गली में जहां कूड़ा फेंकने वाली जगह नहीं है, वहां से लाश मिली है उसकी। अली शाह जिनका खास आदमी था वो भी आए थे वहां पे। खास बात, किस्म के आदमी हो यार तुम जैसे। 6 दिन हो गए तुमसे एक रिसेप्शनिस्ट का अरेंज नहीं हुआ। सर वो आपने खुद कहा था कि मैं पहले एक बार मिलूंगा उसके बाद फाइनल करूंगा। तो यार तुम मुझे कुछ तस्वीरें ही दिखा देते उनकी। जी सर मैं दिखाता हूँ, जल्दी करो। सर ये कौन है? सर एमन नाम है इसका। एमन? सर काफी पढ़ी लिखी है और फेस भी अच्छा है, इनफैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। बस सर थोड़ी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी सर, देसी देसी सी थी। और ये जो बाकी जिन्होंने 1-1 किलो मेकअप अपने ऊपर थोपा हुआ है, इनकी शक्ल देखने को दिल नहीं कर रहा, इनका फायदा? यू राइट सर। सर ये एमन बोलती भी अच्छा है सर, काफी कल्चर्ड है। बुलवाओ इसे एमन को, और ऐसे करो कि अगर इनमें से भी कोई बेहतर है तो उसे भी बुलवाओ, लेकिन जल्दी। जी बेहतर सर, मैं बुलवा लेता हूँ। कल वो रानिया और उसके कुछ साथी आए थे, कितना सुना के गए हैं मुझे कि किसी ने उन्हें बाहर रिसीव नहीं किया। सो प्लीज कुछ करो। आई एम सॉरी सर, मैं ये काम आज ही करता हूँ सर। हाँ कॉफी भिजवाओ यार। सर श्योर। Thank you.
आजा आजा रहील, अभी तेरा ही जिक्र हो रहा था। क्यों? वो जब्बार का तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। हाँ यार, तेरा तो बड़ा झगड़ा रहता था उसके साथ, अब तेरे सीने में ठंड पड़ गई होगी। मेरी बात सुन। जी सर। वो जो तेरा जानने वाला है ना, जो राहिल के साथ डब्बू खेलता है। जी जी। उसके पास चला जा, फोन करके उसे अपने पास बुला ली। सर फोन करके बुला तो लूंगा उसे, पर कहना क्या है? मैं तुझे बताता हूं जो उसे कहना है। जी सर। कहना ये है, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बाद में फोन कीजिए। शुक्रिया। मेरी जिंदगी में खुशी की कितनी कमी थी, तेरी वजह से लौट आई है। तू और तेरी खूबसूरत आवाज, एक दिन दोनों मेरा नसीब बन जाओगे। मैंने अम्मा को बताया भाई, मैं किसी ऐसी जगह पर नहीं गई, मैं तो सारा दिन नौकरी तलाश कर रही थी। एक बात कान खोल के सुन ले तू मेरी, अगर तुझे दो दिन के अंदर अंदर नौकरी ना मिली तो तुझे मैं या तो फिर इस घर में घुसने नहीं दूंगा, या फिर तुझे मैं इस घर से निकलने नहीं दूंगा। क्या कह रहे हैं आप साहब जी, मुझे कुछ पता नहीं है। पता तो सब है तुम लोगों को। देख बुढ़िया, तेरे बेटे ने खून किया, खून कातिल है वो। राहिल को पकड़ के अंदर कर दे। ओहो, उसको अंदर करेगा तो एमन ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगी। जिस